Very morning, ninth class. This is Deepthi Singh. As you know this, and today I'm presenting your the word is too much with us. This is a sonnet, and written by William Wordsworth. Okay, so sonnet means what? Sonnet means a choti poem hoti hai, only and only 14 lines. यहाँ पर मैंने 12 lines लिखी हुई हैं, जो इस अभी board पे आई हैं, इसलिए मैं आपको बाद में इसको समझाती हूँ. समरी ऑफ द पोएम. पोएम में मेन समरी क्या है या शॉर्ट में अगर हम बात करें तो इस पोएम के थ्रू पोएट ने हमें क्या कहने की कोशिश की है या क्या समझाने की कोशिश की है. द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज अ सोनेट. सोनेट मीन्स आपको बता दिया 40 लाइन्स की जो कविता होती है छोटी सी, सो सोनेट बोलते हैं. सोनेट भी कई तरह की होती हैं, मैं बाद में बताऊँगी. इट इज अबाउट द लॉस ऑफ नेचर. किस बारे में बात हो रही है? लॉस ऑफ नेचर, कि हम लोग नेचर को खोल रहे हैं. बिकॉज इसका जो कारण है, कॉज बाय ह्यूमन काइंड, हम लोग ही उसके कारण हैं. पीपल आर बिजी ऑन गेटिंग एंड स्पेंडिंग. आप भी जानते हैं कि लोग इतने ज़्यादा बिजी हो गए, सपोज मोबाइल भी हमारे पास, तो मोबाइल में इतना बिजी हो जाते हैं, स्कूल का वर्क नहीं करते. जब हम स्कूल का वर्क नहीं करते, हम डेली के काम भी रूटीन में छोड़ रहे हैं केवल मोबाइल के लिए, या फिर हम लोग टीवी देख रहे हैं, या फिर कोई, आप लोग आजकल लूडो बहुत खेल रहे हैं गूगल पे और जो भी आपकी चल रही हैं, इस तरह से हमें क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, मतलब स्पेंड कर रहे हैं और पा भी रहे हैं चीज़ें, उसमें ही बिजी हो गए. फॉर द स्पीकर, जो हमारे पोइट हैं स्पीकर कह रहे हैं, स्पीकर के अकॉर्डिंग वी वेस्ट आवर पावर्स, हम अपनी शक्तियाँ नष्ट कर रहे हैं. फॉर नथिंग लेस, यूजलेस चीज़ों के पीछे हम लोग भाग रहे हैं जो हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है. फॉर अस नेचर इज लिटिल, जबकि नेचर हमारी है, प्रकृति की गोद में हम जन्म ले रहे हैं, उसके साथ रह रहे हैं, लेकिन हम उसको लिटिल समझते हैं एंड इनकम्प्लीट, उसको हम कुछ नहीं समझते, इनकम्प्लीट समझते हैं. पीपल हैव गिवन देयर हार्ट्स अवे. बेटा दिल जो होता है उसको एक वर्ड होता है हार्ट, उसको हर्ट नहीं बोलते. हर्ट मीन्स हो जाएगी लगना, एंड हार्ट मीन्स दिल या हृदय. तो पीपल हैव गिवन देयर हार्ट्स अवे, लोगों ने अपने दिलों को, हृदय को, हार्ट्स को फेंक दिया है, दूर कर दिया है. किससे? नेचर से, प्रकृति से. हर जगह पोएम के थ्रू पोएट हमें बताना चाहता है कि जो दुनिया है, प्रकृति है, उसमें हम रह रहे हैं, लेकिन हम उसके प्रति सचेत नहीं हैं. आज मैं आपको इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी वर्ड टू वर्ड, आज इसको केवल हम रीड करते हैं, किस तरह से आपको रीडिंग करनी है. इसके नेक्स्ट सेशन में मैं इसको दोबारा से वर्ड टू वर्ड लेके एक्सप्लेन करूँगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फिर से देख लेते पोएम का नाम, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. टोटल 14 लाइन्स हैं, यहाँ पे मैंने 12 लिखी हुई है. ओके, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून. रिपीट आफ्टर मी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स. Little we see in nature that is ours. We have given our hearts away a sordid wound. A sordid wound का मतलब आप निकाल के बताइए, क्योंकि sordid means होता है unpleasant and wound का मतलब होता है बरदान. तो बरदान तो अच्छा ही माना जाता है, तो उसको sordid wound क्यों कहा गया है? This sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours. And are up gathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. It moves us not, great God, I would rather be a pagan suckled in a creed abhorn. So might I, standing on this pleasantly, have glimpses that would make me less forlorn. ये आपको बार बार सुनना है, समझना है, और आपको रीडिंग लेनी है इसकी, डिसाइड करना है. आप इसको लिखिए, समझिए, और अपना काम कंटिन्यू लिखते जाइए. जब लॉकडाउन खुलेगा, आप अवेलेबल हो जाएंगी, सारी चीज़ें मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा मार्केट से, आप न्यू कॉपी परचेस करेंगे, तो उसको सारी चीज़ें लिखना है, रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन स्कूल जब ओपन होंगे, मैं हम लोग आपकी कॉपी चेक करेंगे, आपको मार्क्स देंगे. इसकी दो जो लाइन छूट गई हैं, have sight of Proteus rising from the sea, or hear old Triton blow his red
हॉर्न. ओके फिर से ध्यान दीजिए, इसको बस फटाफट से रीडिंग करते हैं. द वर्ल्ड इज टू मच विद अ विद अस इज अ सोनेट. इट इज अबाउट द लॉस ऑफ नेचर कॉज बाय ह्यूमन काइंड. पीपल आर बिजी इन गेटिंग एंड स्पेंडिंग. फॉर द स्पीकर वी वेस्ट आवर पावर्स. ओके फॉर नथिंग लेस फॉर द नेचर. फॉर अस नेचर इज लिटिल एंड इनकम्प्लीट. पीपल हैव गिवन देयर हार्ट्स अवे. आज के लिए इतना काफी है. आपके लिए न्यू सेशन में इसका पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लेके आऊंगी. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.